हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एम रिव्यू ज्ञान में। फ्रेंड्स, मैं आपको वायरलेस कीबोर्ड के बारे में और वायर्ड कीबोर्ड के बारे में बताऊंगी और अपना मैं रिव्यू दूंगी कि मुझे वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड में से कौन सा ज़्यादा पसंद है और कौन सा मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा यूज करके। तो मैं आज आपको अपना रिव्यू दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये वायरलेस कीबोर्ड है। मैंने मैक के लिए ये मैंने लिया था वायरलेस कीबोर्ड। और ये देखिए, ये जो है इस जो कंपनी का नाम है जॉय एक्सेस। तो जो है जॉय एक्सेस का जो वायरलेस कीबोर्ड है ये मैंने अमेजोन से लिया है 7,000 के अप्रोक्स में। और अभी इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10,000 है। और उसके बाद ये जो है मुझे यूज़ करते हुए 6 महीने हो गए हैं और ये अभी भी अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसका जो साउंड भी है ये अच्छा है, ठीक है, कम साउंड देता है ये। यूएसबी पोर्ट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसका जो यूएसबी पोर्ट है मैंने अपने लैपटॉप में यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। तो आप इसको यूएसबी पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ मुझे ये वाला माउस मिला था जो मैंने आपको पहले भी माउस वाले वीडियो में बताया है। जो मैंने माउस के लिए वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है आपको कि ये जो माउस है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये माउस जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। और इसका जो स्क्रॉलर है ये भी ख़राब हो गया है, इसका सब ख़राब हो गया। इसलिए ये माउस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और रह गया ये कीबोर्ड का बात। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप ये जो है ये कीबोर्ड बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको थोड़ा सा भी इसमें पानी या फिर दूध कुछ भी चला जाए तो ये ख़राब हो जाता है और आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रीफर करूँगी कि इतना महंगा कीबोर्ड आप बिल्कुल भी ना खरीदें। जब आपको अगर प्रोफेशनल अगर आपको कहीं पे यूज़ करना है तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा जो है पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं अब इसको दोबारा नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है कीबोर्ड। इसमें मेरा कुछ बटन काम नहीं करता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो गया, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं लूँगी। और वायरलेस कीबोर्ड लेना आपके लिए सही भी है और नहीं भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको वायर से परेशानी है तो आप इसे ले सकते हैं कि आप इसे कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे आपका लैपटॉप यहाँ हो और आप बैठ के नीचे यूज़ कर सकते हैं इसको, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं 10 मीटर की रेंज से। लेकिन मैक के लिए आपको ये कीबोर्ड ही लेना पड़ेगा। ये वाला ही कीबोर्ड जो है वो आपका अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं आपको अगर आपको ये जो कीबोर्ड है वो लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन आपको इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। आप इसको लापरवाही से यूज़ कर नहीं सकते हैं। अगर आप इसको लापरवाही से यूज़ करेंगे तो आपका ये जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और आपके 7,000 रुपीज़ पानी में मिल जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ के ये वाला लेंगे। अब मैं आपको इसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, मेरा अपना पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है कि आपको अगर जनरल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए अगर आपको लेना है घर पे यूज़ करने के लिए, तो आप ये वायर्ड कीबोर्ड लीजिए। ये क्वांटम का है कीबोर्ड और इसका जो प्राइस भी है वो बहुत ही सस्ता है, बहुत बहुत ही कम कॉस्ट का है ये। इसका आपका इसका जो कॉस्ट है वो 300 से 350 तक के रेंज में आपको ये जो है मिल जाएगा। और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा रफली यूज़ करने से। बट वायरलेस में प्रॉब्लम ये है कि आप इसको रफली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको बहुत ही प्यार से यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही कम है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं प्रीफर करूँगी आपको ये कीबोर्ड। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी कंफर्टेबल है साथ हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जैसे कि लाइनेक्स हो गया, आपका मैक, विंडो, हर किसी के साथ ये भी कंफर्टेबल है। जो तो है इसमें साउंड कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, बट फिर भी ये बेटर इसलिए है क्योंकि ये ख़राब नहीं होता जल्दी। और फ्रेंड्स, इसके इसके कॉस्ट भी बहुत ही हाई है इसके कंपैरिजन में।
इसलिए मैं आपको ये कीबोर्ड ही प्रेफर करूँगी। तो आप ये कीबोर्ड लीजिए, यूज़ करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।